द बुक ऑफ बोबा फेट का एपिसोड नंबर 6 रिलीज हो चुका है, जिसे कि मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा। इससे पहले हमने 5 एपिसोड को कवर कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। पर उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। इस एपिसोड के स्टार्ट में पाइस के कुछ मेंबर दिखते हैं, जो कि मोसेस ब्लॉक के नाम के एक इलाके में स्मगलिंग कर रहे होते हैं, जिसके बाद वहां पर एंट्री होती है मार्शल की, जिसे कि हमने मैंडोरियन सीरीज में भी देखा था। मार्शल उन लोगों को सारा सामान वहीं छोड़कर जाने को कहता है, क्योंकि वो इस ग्रह पर नए थे। तो पाइक्स के मेंबर उस पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं। मार्शल बड़ी ही तेजी से उनमें से तीन पाइक्स को मार देता है, और चौथा पाइक्स वहाँ सारा सामान छोड़कर चला जाता है। दूसरे सीन में मैंडोरियन दिखता है, जो कि ग्रोगू से मिलने के लिए एक प्लेनेट पर जाता है। उसी प्लेनेट पर स्काई वॉकर ग्रोगू को ट्रेनिंग दे रहा होता है। मैंडो उस प्लेनेट पर ग्रोगू को ढूंढता है, पर उसे वो नहीं मिलता। पर एक जगह पर कई सारे रोबोट्स एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। मैंडो कुछ देर तो वहीं पर सो जाता है, पर जब वो उठता है तो वहाँ पर एक जड़ाई आती है, जिसे कि हमने मैंडोरियन सीरीज में देखा था। मैंडोरियन को ग्रोगू से मिलने से मना करती है, तो मैंडोरियन ग्रोगू के लिए लाया गिफ्ट उस जड़ाई को देखकर वहाँ से चला जाता है। स्काई वॉकर ग्रोगू को ट्रेनिंग दे रहा होता है, साथ ही वो उसे कुछ पुरानी यादें भी याद दिलाता है। दूसरे सीन में मैंडोरियन बोबा से मिलने उसके पैलेस में जाता है, जहाँ की एनेक्सन सभी मेंबर्स को पाइस के बारे में बता रही होती है। साथ ही वो कई सारे लोगों की मांग करती है, ताकि पाइक्स पर ज़मीनी तौर पर वो नज़र रख सके। अभी वहाँ पर मैंडोरियन आता है, जो कि ऐसे ही लोगों को जुगाड़ कर सकता था। वो कहता है कि वो इनका इंतजाम कर सकता है। मैंडोरियन मार्शल से मिलने जाता है, जहाँ मैंडो मार्शल को अपनी टीम में शामिल होने को कहता है। तो मार्शल उसे कहता है कि वो इस बारे में सोच कर बताएगा। मैंडो वहाँ से चला जाता है। साथ ही कुछ देर बाद वहाँ पर एंट्री होती है कार्डबैन की, जो कि मार्शल को पैसों का ऑफर देता है कि मार्शल बोबा से ना मिले के लिए वो बोबा से ज़्यादा पैसे उसे देने के लिए कहता है, पर मार्शल उससे मना कर देता है और अपने इलाके में कोई भी गैरकानूनी काम होने से मना कर देता है। इसी टाइम पर मार्शल का एक साथी बाहर आता है, जो कि कार्डबैन से कहता है कि मार्शल बिकाऊ नहीं है, जिससे कि कार्डबैन को गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकालता है। देर के लिए यहाँ पर काफ़ी डेंजरस सीन बन जाता है। इसके बाद कार्डबैन अचानक से गोली चलाकर मार्शल और उसके साथी को घायल कर देता है। दूसरे सीन में टैटूइन का एक क्लब दिखाया जाता है, जहाँ की दो पाइक्स आते हैं। वो वहाँ पर एक बॉम्ब छोड़कर चले जाते हैं और उनके वहाँ से जाते ही वो बॉम्ब फट जाता है। एंड में दिखाया जाता है कि ग्रोगू को स्काई वॉकर मैंडो का दिया हुआ आर्मर और लाइट सेवर में से एक को चुनने के लिए कहता है। अगर ग्रोगू मैंडो का दिया हुआ आर्मर चुनता है तो स्काई वॉकर उसे ट्रेनिंग नहीं देगा। और इसी के साथ ही एपिसोड का यहाँ पर ही एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।